दोस्तों पहले तो मैं आप सभी भाइयों को यार आर्क सर्वाइवल एसेंडेड प्राइमल केओस के और एक एपिसोड में स्वागत करना चाहूंगा। दूसरी बात दोस्तों, मुझे काफी नींद आ रहा है यार, मैं काफी रात को ये एपिसोड यार शूट कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ये देखो, आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इसी वाले हार्ड वाले आइलैंड पर ही अपना घर बनाऊंगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर घर तो बना लिया है, ठीक है, बट इस बार मैं थोड़े से एलिवेटेड वे में अपने घर को बना रहा हूँ। इसका मतलब दोस्तों, मैं ऊपर थोड़ा सा घर को बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग इस आइलैंड के आसपास देखोगे ना, आसपास नहीं, इस आइलैंड पर ही आप लोग देखोगे ना, तो थोड़ा दूर जा करके आप लोगों को खतरनाक वाले ग्रिफिन्स देखने को मिलेंगे। ड्रैगन्स भी है, इन वन वर्ड, दिस आइलैंड इज लिटरली वेरी डेंजरस। एंड व्हाट इज दिस? ओह दोस्तों, जिसके आप लोग देख पा रहे, एक लूट बॉक्स आ रहा है दोस्तों मेरा तो यहाँ पर। ओके, मैं क्या बढ़ाना चाहूँगा, मुझे शायद से बढ़ा लेना चाहिए। मैं क्या बढ़ाऊँ दोस्तों, आई थिंक मैं ना क्राफ्टिंग स्किल को ही बढ़ाना चाहूँगा। एंड दोस्तों एक मिनट दोस्तों, ब्लैक पर्ल मुझे मिल चुका है, आई गॉट ब्लैक पर्ल। एंड अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ब्लैक पर्ल कैसे मिला है, इसको अगर मारूंगा ना तो मुझे ब्लैक पर्ल मिलेगा। रुक जा तेरी ऐसी की तैसी, ये क्या भाग रहा है ये ट्रिलोबाइट यार, तेरी ऐसी की तैसी, ये खत्म। अगर दोस्तों अब मैं इसको पूरा ख़त्म कर डालूंगा, एक मिनट इसको पूरा ख़त्म कर दे लेना। ओके भाई, तो पूरा ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों, हैं, इसको तो पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। ओके, जैसे कि लोग देख, मुझे चिटीन विटीन नहीं चाहिए यार दोस्तों। ओके दोस्तों, अब मुझे मिल नहीं ये ट्रिलोबाइट से ना यार, एक मिनट यार, ट्रिलोबाइट से मुझे मिल जाना चाहिए था यार ब्लैक पर्ल, बट मुझे ब्लैक पर्ल व्हाइट पर्ल नहीं मिल रहा है, मुझे यहाँ पर चिटीन विटीन मिल रहा है। दोस्तों इसका बॉडी ना कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका बॉडी स्थिर हो गया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, वो देख रहे हो, एक ग्रिफिन, ठीक है। एंड आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज मैं सुपर स्पाई ग्लास डेफिनेटली बनाने वाला हूँ। एंड सुपर प्लस ये बनाने के लिए क्रिस्टल चाहिए, सीमेंटिंग पेज चाहिए, हाइट चाहिए, मेटल इंगोट चाहिए। एंड दोस्तों आई थिंक सो मैं सीमेंटिंग पेज बना पाऊंगा। अच्छा, मैंने नहीं खोला क्या सीमेंटिंग पेज को, तो चलो दोस्तों सीमेंटिंग पेज बना लेते हैं। एंड सीमेंटिंग पेज बनाने के लिए मुझे ना, एक मिनट दोस्तों, मुझे थोड़े से यार अभी लकड़ी का ज़रूरत पड़ने वाला है। ओके, मैं चलो घर में चलता हूँ। लकड़ी का इसलिए ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि दोस्तों यार लकड़ी बर्न होने के बाद मुझे चारकोल मिलेगा, एंड चारकोल यार चाहिए होगा, ठीक है, सीमेंटिक पेस्ट बनाने के लिए। ओके, थोड़ा सा और लकड़ियाँ ले लेता हूँ। ओके दोस्तों, ओके अब मेरे पास अच्छे खासे यार है, ठीक है, मेरे पास अच्छे खासे हैं लकड़ियाँ। एंड ओके, इसको इधर डाल देता हूँ लकड़ियों को। एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सामान है, तो यहाँ पर जा करके ये और ये चिटिन में रख देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों मुझे हंट करना पड़ेगा, मैं इसको ना ऐसे बेकार में जला करके छोड़ दूंगा। ओके, तू लाइट क्यों नहीं होता भाई? वाओ दोस्तों, मैं कितना बुर्बक हूँ यार, मैं मोर्टर एंड पेस्टल पे यार ऊट डाल रहा हूँ यार इसलिए यार नींद में कभी भी नहीं खेलना चाहिए। एनीवेज दोस्तों चलो इसको लाइट कर देते हैं, एंड फटाक से एक चीज़ देख लेता हूँ यार, सीमेंटिंग पेस्ट बनाने के लिए मेन चीज़ों का रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। एक मिनट भाई, सीमेंटिंग पेस्ट में क्यों, तो आप लोग ये देखो, ये तो मोर्टर एंड पेस्टल ही है ना, ये तो मोर्टर एंड पेस्टल है, बट यहाँ पर मोर्टर एंड पेस्टल में मैं यार सामान को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, तो मुझे एक मिनट मुझे समझ में आ चुका है, अगर मुझे सीमेंटिंग पेस्ट बनाना है तो पहले आई थिंक मुझे चिटिन को ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है, चिटिन को ले लिया हूँ। अब अगर मैं चिटिन को ऐसे डालूंगा इधर भाई, एक मिनट आई एम नॉट गेटिंग इट, ये मोर्टर एंड पेस्टल ही तो है ना, तो यहाँ पर रेसिपीज मुझे क्यों शो नहीं हो रहे भाई, यहाँ पर तो क्लियरली मुझे रेसिपीज दिख जानी चाहिए था ना। यहाँ पर दोस्तों एक भी रेसिपी क्यों शो नहीं हो रहा है पता नहीं, मैंने सीमेंटिंग पेस्ट खोल लिया है, मे बी ऐसा हो सकता है मैंने पोशंस वगैरह नहीं खोला है ना, तो इसलिए शायद से नहीं दिखा रहा है। फिर से इसको खोल करके देखता हूँ। ऐसा ये क्या अजीबोगरीब बात हो रहा है, पता नहीं क्या ही चीज़ हो रहा है, ठीक है। अब मैं नीचे चलने वाला हूँ, मैं अब शिकार करने वाला हूँ, अब मुझे हाइट चाहिए, ठीक है, सो लेट मी फाइंड समवन, ठीक है, मुझे किसी को मारना पड़ेगा। मैं ना किसी वीक को मारना चाहूँगा, क्योंकि अभी यार टफ वाले को तो मैं डेफिनेटली मार नहीं पाऊँगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो वहाँ पर एक अर्जेंट ऑफिस है, तो उसको मैं डेफिनेटली मार नहीं पाऊँगा यार, वो चेस करके आएगा एंड मेरा धजिया उड़ जाएगा, ठीक है। एंड दोस्तों आप लोगों ने लाइक करा है कि नहीं यार, जितने भी भाई लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दो यार। पिछले पार्ट में मैंने आप सभी भाइयों को बोला था कि प्लीज़ आप लोग 150 कमेंट कर दो, वहाँ पर भी आप लोगों ने यार माइलस्टोन को कंप्लीट नहीं किया, आप लोगों ने 150 कमेंट्स क्या ही नहीं, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों। शुड आई ट्राई, क्या मुझे ट्राई करना चाहिए भाई, मैंने मारा इसको, अब देखते हैं। आजा ओह दोस्तों खतरनाक चीज होने वाला है, मुझे ये निकाल लेना पड़ेगा। आजा
इससे ना मैंने एक कार्नो सोरस को मार दिया था भाई, तो मे बी मैं अर्जेंटा बीस को भी मार पाऊंगा। अरे यार ये मरता क्यों नहीं भाई, ये मेल अर्जेंट ऑफिस है ना, तो इसलिए भी थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बट ये ना मेरे को खतरनाक डैमेज दे रहा है दोस्तों, ये ना मेरे को सीरियसली खतरनाक डैमेज दे रहा है। ये तो ये मरेगा, ये तो मैं मरेगा दोस्तों। मैंने इसको मार दिया यार, आप लोग मेरे हेल्प पे ध्यान दो दोस्तों, आप लोग ना मेरे हेल्प पे ध्यान दो। एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने फाइनली इसको मार दिया है। चलो इससे ले लेता हूँ हाइट वगैरह। यार मीट मुझे और थोड़ा सा चाहिए था, ठीक है मुझे खाना पड़ेगा तभी जा करके मेरा हेल्थ बढ़ेगा, ठीक है। बट हाइट मुझे काफ़ी सारे मिले जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। एंड मेन जो चीज़ है, एक मिनट फटाक से ये बढ़ा लेता हूँ, आज ना मुझे मेन ये बनाना ही पड़ेगा। अगर मैंने आज सुपर स्पाई ग्लास ये नहीं बनाया ना दोस्तों, ये वाला, तो दिक्कत हो जाएगा। तो मेटल इंगोट भी चाहिए होगा क्या भाई, मेटल इंगोट भी चाहिए होगा क्या? क्रिस्टल्स के लिए तो कोई टेंशन में नहीं भाई, क्रिस्टल्स मिल जाएंगे भाई। बर्फीले जगह में जाऊंगा तो वहां से क्रिस्टल्स मुझे मिल ही जाएंगे, ठीक है। मेटल इंगोट भी चाहिए होगा, दैट मीन्स दोस्तों मुझे अब ये फोर्ज खोलना पड़ेगा यार। चलो फोर्ज को खोलने से पहले मैं ना स्मिथ मशीन को खोल रहा हूँ, या फोर्ज खोलना पड़ेगा तभी जा करके दोस्तों मुझे मेटल इंगोट मिलेगा, ठीक है। दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ, अब मैं फटाक से एक चीज देखने वाला हूँ यहाँ पर कितने सारे, एक मिनट दिखाऊँ। ओह जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर आ गए हैं, मेरे पास थोड़े बहुत चारकोल आ गए, ठीक है, डस्ट चारकोल आ गया, पुट आउट फायर कर देते हैं, ठीक है। ओके अब यहाँ पर जाते हैं, अब यहाँ पर जा करके एक मिनट अब इसको इधर डाल देता हूँ। एंड मैं सिर्फ स्पॉइल मीट ही बना सकता हूँ क्या? ये क्या क्या मजाक कर रहे हो भाई, नहीं क्या मजाक क्या चल रहा है भाई पता नहीं। बट मैं सीमेंटिंग पेस्ट को क्यों नहीं बना पा रहा हूँ यार, सीमेंटिंग पेस्ट का रेसिपी तो मैंने यार खोल लिया है। ये तो मॉर्टर एंड पेस्टल ही है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये तो क्लियरली मॉर्टर एंड पेस्टल है। अगर ये मॉर्टर एंड पेस्टल है तो दोस्तों मुझे यहाँ पर क्यों सीमेंटिंग पेस्ट का रेसिपी देखने को नहीं मिल रहा है पता नहीं, बट मैं ना सीमेंटिंग पेस्ट नहीं बना पा रहा हूँ। एक फटाक से काम कर लेता हूँ भाई, मेरे पास मीट था ना, मीट को इधर डाल देता हूँ। एंड फिर से मुझे इसको जलाना पड़ेगा क्योंकि मुझे तेज़ी से कुछ खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं डेफिनेटली मरने वाला हूँ, ठीक है। जब तक के यार ये बनता है मैं थोड़ा सा यार ऐसे बिस्तर पर सो ही लेता हूँ। दोस्तों मैंने ना थोड़ा बहुत खाना वाना खा लिया है एंड मेरा हेल्थ भी फुल हो चुका है। बट अभी तक जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, अभी तक मेरा अभी ना मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ पता नहीं क्यों, बट मैं ना ये बना नहीं पा रहा हूँ। इवन इफ आई हैव दिस मॉर्टर एंड पेस्टल, मेरे पास मॉर्टर एंड पेस्टल है, आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो, मेरे पास एक नहीं दो दो मॉर्टर एंड पेस्टल है। बट स्टिल दोस्तों मैं ना ये देख रहे हो, ये मैं फिर से और एक बनाऊंगा आप लोगों के आंखों के सामने ही, मैं और एक मॉर्टर एंड पेस्टल बनाने वाला हूं। अगर इस बार मुझे नहीं मिलने वाला है ना भाई, तो मैं ना क्या ही बोलूंगा भाई। चलो यार कलेक्ट कर लेते हैं, ये क्या चीज़ें मिल रही है भाई, ये फ्लिंट, ए भाई मुझे स्टोन चाहिए भाई, मुझे ज़्यादा अमाउंट में स्टोन चाहिए यार। ओके 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 चलो दोस्तों, आई थिंक नाउ आई कैन क्रिएट ईजीली दिस मॉर्टर एंड पेस्टल जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। अरे नहीं, ओ 65 स्टोन चाहिए क्या? तो फटाक फटाक से मुझे स्टोन्स अभी कलेक्ट कर लेना पड़ेगा, तो चलो फटाक फटाक से स्टोन्स को कलेक्ट कर लेते हैं। A few inches later. नहीं दोस्तों अभी भी मुझे चाहिए थोड़ा सा चाहिए। ऑलराइट ठीक है एंड ओके डन दोस्तों, चलो मॉर्टर एंड पेस्टल अब बनाते हैं एंड अब देखते हैं क्या इस बार होगा या नहीं, ठीक है। तो लेट्स टाइप मॉर्टर, ओके जैसे कि आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो, आप लोगों के आंखों के सामने ही मैं मॉर्टर एंड पेस्टल बना रहा हूँ। ओके इसको ना इधर ही डाल दूंगा एंड खोलते हैं। क्यों, मतलब क्यों दोस्तों, नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं मॉर्टर एंड पेस्टल में, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं मॉर्टर एंड पेस्टल में सीमेंटिंग पेस्ट को क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। दोस्तों अगर ऐसे ही चलेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा यार, मीट के अलावा अगर मैं मॉर्टर एंड पेस्टल में कुछ भी नहीं बना पाऊँगा तो कैसे ही चलेगा यार। कभी कभार अलग अलग से ग्लिच देखने को मिल जाता है, इस बार ये वाला ग्लिच जहाँ पर मैं मॉर्टर एंड पेस्टल में सीमेंटिंग पेस्ट नहीं बना सकता हूँ। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, सीमेंटिंग पेस्ट नहीं बना पा रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मिनट मुझे ना फटाक से फूड ले लेना पड़ेगा, मुझे शायद से इस गेम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा एंड देन ओनली दोस्तों मैं सीमेंटिंग पेस्ट वगैरह बना पाऊंगा। एंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो वहाँ पर मुझे एक लूट देखने को मिल रहा है, तो चलो दोस्तों उस लूट पर मुझे क्या देखने को मिलेगा, लेट्स फाइंड आउट, ठीक है। एंड काश दोस्तों मैं ग्रिफिन को पकड़ पाता यार, अगर मैं ग्रिफिन को पकड़ पाता ना भाई तब तो यार मैं आराम से बिना भय का इस दुनिया पे घूमता, ठीक है। मतलब भय तो लगते हैं बट ग्रिफिन ना एटलीस्ट यार बहुत से पावरफुल एनिमीज से मुझे बचा सकता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो आई कैन नॉट ओपन दिस क्योंकि मुझे 35 लेवल का होना पड़ेगा एंड फिलहाल दोस्तों मैं 33 लेवल का हूँ, वैसे मैं इसको खोल पाऊंगा
अगर मैं मुझे एक दो डायनासोर को मारना पड़ेगा एंड तब शायद से दोस्तों मैं इस वाले चीज को खोल पाऊंगा। वो क्या है भाई, वो कौन? ओ ये दोस्तों मेरा ही डेड बॉडी है, मैं इधर ही मर रहा था दोस्तों। लास्ट एपिसोड में मैं इधर मर रहा था एंड तब से यहाँ पर मेरा डेड बॉडी ऐसे ही पड़ा है। यहाँ पर कुछ है क्या इस बॉडी पर? चलो देखते हैं। नहीं कोई काम का चीज़ नहीं है, बट इससे मैं हाइट ले सकता हूँ ना, इसको मैं डैमेज नहीं कर सकता हूँ क्या? बट ऐसा क्यों? लॉल व्हाट दोस्तों, मेरा हेडसेट ही यार टूट गया, बट मैं अपने बॉडी को यार डैमेज नहीं कर पाया। एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं भाई, अब मज़ा आने वाला है भाई। वहाँ पर कुछ तो है दोस्तों, मुझे काफ़ी बड़ा सा एक पंख देखने को मिल रहा है। आगे जा कर के क्या ही देखने को मिलेगा, बट काफ़ी बड़ा सा पंख मुझे देखने को मिला था एंड वो भी एकदम पास में ही देखने को मिला था भाई। व्हाट इज दिस? बाप रे दोस्तों, वो सब तो ठीक है बट ये तो एक आ गया। आजा 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 आजा, इसको मैं मार पाऊंगा दोस्तों, डोंट वरी। मैंने पहले भी एक कार्नोसोरस को मारा है, ये भी जाने वाला है। तू गया बेटा, तू डेफिनेटली गया दोस्तों। मेरा हड्डी वड्डी सब कुछ टूट चुका है, अब तू गया। इसको अटैक करने के लिए नहीं देना पड़ेगा, इसको पीछे से मुझे अटैक करना पड़ेगा एंड देन ओनली मैं इसको मार पाऊंगा। एंड आई थिंक और दो तीन फटके एंड ये खत्म होने वाला है, और दो तीन फटके एंड ही विल बी डेड भाई, खत्म। दोस्तों आप लोगों के आंखों के सामने मैंने एक कार्नोसोरस को मार दिया। चलो अब इससे हाइट वगैरह या प्राइम मीट मिल रहा है भाई, इससे बढ़िया और चीज़ क्या ही हो सकता है। ओके बट मेरा हेल्थ आप लोग देख पा रहे हो, मेरा हेल्थ का अभी यार क्या हो गया भाई, एकदम माँ बहन हो गया भाई हेल्थ का। चलो थोड़ा बहुत ये खा लेता हूँ, ठीक है, मेरा हेल्थ वेल्थ बढ़ेगा। एंड आई विल शो यू ए वेरी ओपी थिंग भाई यहाँ पर। ओ भाई आप लोगों को याद है, आप लोगों को याद है कि नहीं पता नहीं, बट मुझे ना काफ़ी अच्छी तरीके से याद है। इस बिच्छू ने मेरे को पिछले एपिसोड में मारा था, यही वाला बिच्छू था। यस अब तू तो गया बेटा, तेरे हेड पे मारना पड़ेगा, बिच्छुओं के ना हेड पे मारना पड़ता है दोस्तों। दिस इज भाई एक मिनट, ये तो बीटा वाला बिच्छू है ना? अरे ये बीटा वाला बिच्छू है, चलो अब इसको मैं दिखा। शिट दोस्तों यहाँ पर तो एक सेबर्ट भाई, मजाक से हट के, बट ये सेबर टूथ ना दोस्तों, ये सेबर टूथ इलेक्ट्रिक वाला सेबर टूथ है, तो मुझे पहले तो पानी में जाना पड़ेगा। पानी में जा करके चलो देखते हैं इस वाले पत्थर पे मैं चढ़ पाऊंगा कि नहीं। अगर मैं इस वाले पत्थर पर चढ़ गया ना भाई, तब मैं बच पाऊंगा। बट जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, क्लियरली देख पा रहे हो, ये सेबर टूथ मेरे पास आ रहा है, बट ओके मैं चढ़ गया दोस्तों। एंड आई डोंट थिंक सो ये सेबर टूथ यहाँ पर चढ़ पाएगा। आजा आजा सेबर टूथ, तेरा ही इंतज़ार है। एक मिनट शिट भाई कुछ करके इस पत्थर के ऊपर चढ़ ले यार। नहीं भाई ऐसे तो मैं मर जाऊंगा यार। ओए वहाँ पर तो एक रेड कलर का मेगलोडोन भी है। अब ये गया बेटा, अब डेफिनेटली ये सेबर टूथ तो मरने वाले हैं दोस्तों। आई एम गोना ट्राई टू किल दिस सेबर टूथ। बेटा तू गया बेटा आ जा, कहाँ से मुझे मारेगा? अगर तो शिट दोस्तों अभी तक ये ऊपर चढ़ नहीं पा रहा है, पर अगर मैं इसको मार पाया ना भाई तो मेरे लिए बहुत बढ़िया होगा, बिकॉज आई थिंक दिस इज बीटा वाला सेबर टूथ। कहाँ पर जा रहा है भाई? अरे नहीं लग रहा है दोस्तों, एंड आई थिंक ये बच जाएगा अभी। ये क्या है भाई? अलग अलग, ओ दोस्तों ये आ रहा है, इधर ही आ रहा है। आजा, अगर तू मुझसे लड़ने के लिए आ रहा है तो तू गलत कर रहा है भाई। शिट ये काफ़ी जख्मी हालत में है दोस्तों, काफ़ी जख्मी हालत में है। कितने सारे मैंने इसके ऊपर तीर लगा दिया, आप लोग क्लियरली देख पा रहे हो। एंड उधर मत जा यार, तू मेरा शिकार है, तेरे को ना मेगलाडोन खा जाएगा तो मेरा एरोस वेस्ट हो जाए। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट भाई, ये चप्परगंज भी इधर आ गया, टेरी ये मजाल। शिट दोस्तों अब मुझे ना अपने इसको निकाल ही लेना पड़ेगा। सेबर टूथ कहां पर चला गया भाई? मैं बिच्छू को तो मार डालूंगा एंड सेबर टूथ भाई, इतना एरोज मैंने उसके ऊपर नष्ट किया, आप लोग बोल दो कि सेबर टूथ मेरे नजरों से बच करके भाग गया भाई। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था यार, एटलीस्ट मुझे उससे हाइट वगैरह अगर मिल जाता ना तब भी बहुत बढ़िया होता। आजा, इस बिच्छू को मैं छोड़ने नहीं वाला हूँ, ये बिच्छू मेरे को ही मारने के लिए आ रहा है। आई नो पहले तो तू ये खाने वाला है। आजा
भूल मत कि मेरे पास ये वाला स्पीयर है एंड तेरे को मैं खत्म कर सकता हूँ। एंड दोस्तों एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बिच्छू सेना में एक मिनट इसको लेकर के जाते हैं। पहली बात तू आ जा भाई, नहीं तो तेरे को कोई और समुंदरी चीज़ खा लेगा। बिच्छू से भी मुझे कमाल के यार चीटी केराटिन मिल सकता है। तो चलो इस बिच्छू को पहली बात इधर लेकर के आते हैं। ओह नहीं लेकर के आ सकते हैं भाई, ये वही वाला सेबर टूथ है दोस्तों, ये वही वाला सेबर टूथ है जिसको मैंने डैमेज दिया था, जिसके आप लोग देख पा रहे हो। ओके बेटा तूने एक अलग आदमी के साथ पंगा ले लिया, ठीक है, तूने ना एक अलग आदमी के साथ पंगा ले लिया, तेरे को ये चीज नहीं करना चाहिए था। शिट दोस्तों और एक हिट देगा तो मैं तो मर जाऊंगा, बट मुझे इसको भी तो मारना है। नो, मुझे इसके हिट से बचना पड़ेगा। ओके क्या बेटा, बॉल के साथ पंगा लेगा तो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों यार मजा आ रहा है यार, तो चलो देखते इसके बॉडी को। व्हाट दोस्तों, मुझे तो ये चिटिन मिलना चाहिए था ना, एंड ये एक नॉर्मल सेबर टूथ है यार, बेकार में यार मैंने इतना मेहनत करा यार, एक नॉर्मल सेबर टूथ के लिए मैंने इतना मेहनत करा, मुझे वो चाहिए था दोस्तों, वो है मेरे काम का चीज। शिट दोस्तों, इलेक्ट्रिक सेबर टूथ अगर आपको ऐसे अटैक करेंगे एंड वो भी पानी में अटैक करेंगे तो ये हाल तो होना ही है आप लोगों को, ये हाल तो आप लोगों के होने ही होने हैं भाई, ठीक है। बट आप लोग टेंशन ना लो, मैं एक काम करने वाला हूँ। पहली बात दोस्तों मेरे पास पॉइंट्स है कि नहीं, फोर्ट्स खोल लेना चाहिए था, 21 पॉइंट्स चाहिए मुझे फोर्ट्स खोलने के लिए। अगर मैं एक सेबर टूथ को मारूंगा ना फॉर श्योर दोस्तों, फॉर श्योर। एक मिनट, अरे मेरे चीज़ें दोस्तों, ये कैसे हो सकता है यार, मेरी चीज़ें वहाँ पर ही गिर गए क्या? अरे यार भाई, दोस्तों मैंने ना लिटरली डेथ इन्वेंट्री कीपर यार डाल करके रखा था, पता नहीं क्यों वो मॉड ही एक्टिव नहीं हुआ है शायद से। एक मिनट इसको मारूं क्या भाई, रुक जा ट्रिलोबाइट, रुक जा, तेरे से मुझे काफ़ी बढ़िया चीज़ मिल सकता है, चीटिन वगैरह, जो कि मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अरे मरता क्यों नहीं भाई तू, इतना मारने के बाद भी तुम लोग अगर नहीं मरोगे तो कैसे ही चलेगा। ऊपर से दोस्तों मेरे को चोट मिल रहा है भाई, इस ट्रिलोबाइट का ना घंटा कुछ भी नहीं हो रहा है भाई, इसकी ऐसी कितने से भाई, व्हाट इज दिस शिट, लिटरली मैं डर गया, एक ड्रैगन था यार। मैं ऐसे एक लोकेशन पर अपना घर बना रहा हूं जहां पर हर दो कदम पर मुझे खतरनाक वाली चीजें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। Approximately 10 hours later. दोस्तों यार मैं मर के फिर से जिंदा हो चुका हूँ, बट एक चीज आप लोगों को मालूम पड़ गया है ना कि अगर इस आइलैंड पर, इस पर्टिकुलर आइलैंड पर अगर आप लोगों को सर्वाइव करना है ना तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल यार, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल डायनासोर नहीं है बॉस, यहाँ पर ना ओ ये क्या है बेटा, इस बिच्छू के कारण ही लास्ट टाइम मैं, एक मिनट दोस्तों मैंने क्या अपने स्टोन एरोस को नहीं लिया अभी तक, चलो ये ले लेता हूँ एंड ये ले लेता हूँ भाई। तू तो क्या यार, तेरी मैं ऐसी की टैसी करने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि इस बिच्छू के कारण ही मुझे लास्ट टाइम डेथ नसीब हुआ था। आजा, वाओ दोस्तों ये तो बेटा, दोस्तों ये अगर विश फैला देगा ना तब भी मेरे लिए दिक्कत हो सकता है। एंड जहाँ तक मुझे थोड़ा सा मालूम है ना, बिच्छू ना पानी में भी डैमेज दे सकता है, आई थिंक सो, देखते हैं। शिट बट मैं तो पानी में ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करने वाला हूँ भाई, बिच्छू तो कहाँ पर भाग रहे, इस बिच्छू को मालूम पड़ गया है कि ये मरने वाला है तो इसलिए। शिट भाई, मार देगा बोल्ट। दोस्तों मैं शिट हो गया मेरे साथ यार, इस बिच्छू ने मेरे को डंक मार दिया, एंड अभी आप लोग देख पा रहे हो कि बिच्छू का विष मेरे शरीर पर फैल चुका है एंड मैं अभी बेहोशी के हालत में हूँ और वो भी पानी के अंदर। इसको बोलते हैं नसीब। 2000 years later. मैं ना वापस से आ चुका हूँ एंड नाउ आई हैव टू फाइंड दैट बिच्छू, इधर ही तो था भाई। दोस्तों वो बिच्छू ना इधर ही कहीं पर था, कहाँ पर गायब हो गया भाई वो, मुझे डर भी लग रहा है पानी में जाने के लिए, पर मुझे जाना तो पड़। व्हाट ये कैसे मर गया भाई, ये मिनट इसको तो यार मैंने इसको तो ज़्यादा डैमेज नहीं दिया था। वो दोस्तों ऐसा हो सकता है कि मेरे इस पेयर में ना यार नार्कोस भी है, मतलब थोड़े बहुत पॉइजन भी है, तो शायद से
ये मेरे पॉइजन से ही मर गया है, जिसके आप लोग देख पा रहे हो, मैंने आप लोगों को बोला था ना। एंड ये भाई, ये मेरा ही बैग है ना? नहीं, ये तो मेरा बैग नहीं। What? दोस्तों, ये बिच्छू लिटरली मेरे को बहुत सारा कुछ दे दिया इसने, जैसे कि आप लोग देख पर टॉर्पर एरोज भी मुझे मिले, बेरीज, फल फूल वगैरह मिले। तो मुझे ना घर में जाकर के इन बेरीज को अभी, यस, मैं इन बेरीज को अभी अपने घर में रखने वाला हूँ, एंड देन मैं वापस से फिर से आऊँगा, ठीक है? अगर मैं आज एक सेबर टूथ को पकड़ लेता हूँ ना, तो मैं उस सेबर टूथ के मदद से आइस वाले बायोम में जा करके दोस्तों क्रिस्टल्स कलेक्ट कर पाऊंगा, एंड देन दोस्तों ज़्यादा देर नहीं लगेगा, सुपर स्पाई ग्लास मैं बना पाऊंगा, एंड देन डायनासोर के बारे में मैं जान पाऊंगा। बट फिलहाल जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए मेरे साथ, ये बीटा ब्लड, इसको तो रखना पड़ेगा, बाद में बहुत ज़्यादा काम आएगा। सीएन बेरी नहीं चाहिए, ये सब बेरीज वगैरह मुझे नहीं चाहिए। नार्कोबेरी काम आएगा, मॉर्टर एंड पेस्टल में वहाँ पर डाल दूंगा, ठीक है? ओके, चलो दोस्तों, नार्कोबेरी यहाँ पर इसलिए डालना पड़ेगा क्योंकि अब ना दोस्तों, आई थिंक सो, मुझे अब यह टॉर्पर एरोस बनाना ही चाहिए, ठीक है? तो ओ, यहाँ पर कंज्यूमेबल्स पे ड्रग पे, ये क्या है भाई, ये क्या आ गया भाई? यहाँ पर ऐसे कुछ चीज़ें मुझे देखने को मिल रहे हैं जो चीज़ें मुझे बनाने ही नहीं है भाई। एनीवेज दोस्तों, ये क्या है भाई? एक मिनट दोस्तों, मॉर्टर एंड पेस्टल में यार कुछ फ्यूल वगैरह डालना तो नहीं होता था ना? वेट ए मिनट दोस्तों, मैंने क्या मॉर्टर एंड पेस्टल या प्राइमल केओस वाला बना लिया है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। दोस्तों, रात का समय है, एंड रात के समय में डेफिनेटली आग तो लगाना पड़ेगा ही बॉस, एंड मेरे पास काफ़ी, ये तो भाई मुझे एक ही साथ ले लेना पड़ेगा, तो फटाक से ये सारे कुछ चीज़ें ले लेता हूँ, ठीक है? एंड दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आग लगाने वाला हूँ, तो लगा देते हैं, ठीक है? मीट वगैरह मैं बना सकता हूँ, मेरे पास तो प्राइम मीट भी था, पता नहीं वो प्राइम मीट कहाँ पर चला चुका है। ओके दोस्तों, एंड एक मिनट, यहाँ पर एक चीज़ मैं देखना चाहूँगा, ये देख रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर मीट का ही शो हो रहा है। फिर से एक बार सीमेंटिंग पेस्ट है, नहीं, सीमेंटिंग पेस्ट मैंने ऑलरेडी खोल दिया है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब मेरे पास कुछ पॉइंट्स है, इसका मतलब दोस्तों मैं ये खोल पाऊँगा, ये भी खोल पाऊँगा। दोस्तों, मैंने एक चीज़ तो अभी तक खोला ही नहीं यार, मुझे यह प्राइमल स्मिथ चाहिए भाई। यस दोस्तों, ये प्राइमल स्मिथ मशीन मुझे चाहिए यार, क्योंकि इससे ना मैं कई गुना बढ़िया चीज़ें बना सकता हूँ। तो अगर मुझे ये वाला स्मिथ चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मेटल इंगोट। अच्छा, इसका मतलब मुझे फोर्स पहले बना लेना पड़ेगा, मतलब मेटल इंगोट इज़ वेरी मच नेसेसरी, एंड आई थिंक ये 5 times फास्टर है, ठीक है? तो फाइबर तो ऑलरेडी है, फ्लिंट, हाइट, वुड, देखते हैं भाई यहाँ पर मेरे पास हाइट है क्या। ठीक है, यहाँ पर तो नहीं है हाइट, वुड का तो खैर बंदोबस्त हो जाएगा, हाइट चाहिए। इसका मतलब दोस्तों मुझे फिर से किसी एक डायनासोर को मारने के लिए जाना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास हाइट अभी कितने हैं? अभी मेरे पास हाइट कैसे नहीं हो सकते भाई, मेरे पास तो हाइट होना चाहिए था। कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, हाइट भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? एंड आज के दिन ही मिलने वाला है। पहले तो यहाँ पर देखूंगा मेरे बैग पर कुछ इंपॉर्टेंट सामान, कुछ भी इंपॉर्टेंट सामान जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बाकी तो पता नहीं, बट यहाँ पर ये वाला सेबर टूथ टाइगर है, देख रहे हो ना? तो इस वाले सेबर टूथ टाइगर को, वेट ए मिनट दोस्तों, मुझे हाइट का बंदोबस्त तो मिल गया है भाई, मुझे इसको मारना पड़ेगा, पेलागोर्निस को। लगेगा कि नहीं पता नहीं, लग गया, शिट भाई, लग जा यार, प्लीज लग जा। नहीं लगा भाई, नहीं लगा। यहाँ पर अर्जेंट ऑफिस भी है, यहाँ पर दो अर्जेंट ऑफिस है दोस्तों। दिस सेबर टूथ इज मच मोर फास्टर देन मी, तो एक चीज मुझे करना पड़ेगा इस सेबर टूथ को, चलो 2-3 फटका दे करके देखते हैं, पता नहीं। आ गया भाई, आ गया बॉस, जितना हो सके आई विल रन फ्रॉम हिम। कहाँ है पता नहीं, यहाँ पर ही तो था भाई, यहाँ पर ही था वो सेबर टूथ टाइगर, फिर से अचानक से गायब हो चुका है, पता नहीं। वोड़ा। वो दोस्तों एक मिनट, वो ना अर्जेंट ऑफिस के साथ पंगा ले रहे हैं, वो झटका दे सकता है, इसलिए अर्जेंट ऑफिस भाग नहीं पाया। आप लोग, शिट, पानी में, आई थिंक ही इज फॉलोइंग मी, ये देख रहे हो? आजा बेटा, तेरे को तो मैं ही मारने वाला हूँ, प्लीज मार मत देना। पानी के अंदर ही रह करके मैं फाइट कर पाऊंगा, शिट। अरे, बच गया मैं फिर से। दोस्तों, एक इलेक्ट्रिक सेबर टूथ को मारना कितना मुश्किल है, आप लोग देख पर इसको ना।
इसको ना जरा सा भी घाव नहीं मिला यार, इसको ना जरा सा भी घाव नहीं मिला यार, ही इज दैट स्ट्रॉन्ग यार।